जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब ब्लड बैंक जो है स्थापित होने वाले हैं। टीएस सिंहदेव ने इसके लिए जानकारी साझा की है। दरअसल बता दें, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान माह का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय से प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार प्रसार रथ जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं भिलाई के प्रमुख हाट बाजारों, मॉल्स हो गया, स्कूल एवं कॉलेजों में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए नागरिकों को जागरूक करने के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया है कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में केवल 9 ब्लड बैंक थे जो कि अब बढ़ाकर 95 किए गए हैं और प्रदेश के 28 जिलों में 31 शासकीय ब्लड बैंक संचालित है। नवगठित गौरेला पेंडा मरवाही जिले में भी इस वर्ष शासकीय ब्लड बैंक शुरू किया जाएगा। गोबर से बनी बिजली से जगमग होंगे गांव और गौठान। उत्पादित बिजली होगी सस्ती। प्रति यूनिट की लागत महज 2.5 रुपए से 3 रुपए लागत होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गांव और गौठान अब गोबर की बिजली से जगमग होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन यानी कि आज के दिन बेमेतरा जिला मुख्यालय के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में गोबर से बिजली उत्पादन की महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य के कई गौठानों में से गोबर से बिजली उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान सम्मेलन में ही बेमेतरा जिले को 477 करोड़ रुपए के विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। इधर बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2021 का दिन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक दिन होगा। मुख्यमंत्री बघेल ने 2 अक्टूबर को बेमेतरा जिले के आदर्श गौठान राखी सहित दुर्ग जिले के सिकोला गौठान तथा रायपुर जिले के बनर चौरौदा गौठान में गोबर से विद्युत उत्पादन परियोजना का शुभारंभ जो है करने वाले हैं। सब्जियों पर अब बारिश का असर देखने को मिल रहा है। आलू प्याज को छोड़कर हर सब्जी 40 रुपए प्रति किलो से ज्यादा पर बिक रही है। जल्द ही अब जो सब्जियां हैं खराब हो रही हैं, सप्ताह भर तक इनकी कीमतें नहीं कम होंगी। दरअसल जिले और राज्य में हुई अच्छी बारिश का असर अब सब्जियों की कीमतों में देखने को मिल रहा है। महज 4-5 दिनों में ही सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। 5 दिन पहले 20 रुपए में बिकने वाला टमाटर अब 30 से 35 रुपए यहां तक कि 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इधर टमाटर, अरबी और साथ ही साथ खीरा, आलू प्याज और कुम्भड़ा को छोड़कर कोई भी सब्जी 40 रुपए प्रति किलो से कम में नहीं मिल पा रही है। ऐसा अनुमान है कि सब्जियों की कीमत अभी एक सप्ताह तक ऐसे ही रहने वाली है। यह पहली बार है जब बारिश के सीजन में अधिकांश सब्जियां सस्ती मिल रही थी। इसकी वजह ये थी कि धमधा इलाके में किसानों ने सोयाबीन की खेती में हुए नुकसान के बाद सब्जियों की खेती ज्यादा की थी, तो वही लोकल किसानों ने भी सब्जियों का रकबा बढ़ाया हुआ था। नतीजा ये हुआ था कि मांग से ज्यादा आपूर्ति होने लगी। इसका असर ये हुआ कि किसानों को इस बार अपनी उपज अच्छे दाम नहीं मिल पाए। इस बार भी नहीं होगा माता का भंडारा। कलेक्टर ने इसके लिए दुर्गा पूजा की गाइडलाइन जारी कर दी है। पंडाल में 8 फीट की प्रतिमा स्थापित होगी। मंदिर में ज्योत के दर्शन पर प्रतिबंध जारी रहेंगी। दरअसल रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने दुर्गा पूजा से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार भी माता का भंडारा का आयोजन नहीं हो पाएगा। गाइडलाइन में प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए 8 फीट की ऊंचाई निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा पंडाल में एक वक्त में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। पंडाल सिर्फ 15 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े हो सकेंगे, यानी कि 15x15 फीट का पंडाल बन सकेगा। पिछले साल प्रतिमा को 6 फीट, पंडाल को 20 फीट और 20 लोगों के एक ही वक्त में जमा होने की अनुमति थी। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार की गाइडलाइन छोटी सी ही मगर कुछ छूट लिए हुए है। इसके अलावा बता दें, कुछ छूट दी गई है जिनमें मुख्य छूट ये है कि पंडाल में 50 से अधिक व्यक्ति जो है जमा नहीं हो सकते, जो कि पहले इसको 20 अधिकतम व्यक्तियों की संख्या की गई थी। इसके अलावा बता दें, विस्तृत गाइडलाइन आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जिले के देख सकते हैं, अपने अपने जिले के अपने अपने वेबसाइट पर।
दिल्ली गए एमएलएस जो है खाली हाथ वापस आए हैं। दरअसल दो दिन रुके विधायकों की किसी सीनियर कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। सिंहदेव बोले वे तो सैलानी बनकर गए थे। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 10 विधायक शुक्रवार को दिल्ली से वापस लौट रहे हैं। ऐसे में पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा डाले विधायकों से किसी भी वरिष्ठ नेता ने मिलना ठीक नहीं समझा। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विधायकों ने पहले ही कहा था कि वे सैलानी बनकर आए हैं, हो सकता है किसी से मुलाकात न हो पाई हो। इधर रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह की अगुवाई में मंगलवार शाम दिल्ली गए नेताओं ने कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की कोशिश की। बाद में बात छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया से मिलने की कोशिश हुई। इसके अलावा प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे की वजह से पीएल पुनिया भी लखनऊ में है, ऐसे में उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। विधायक बृहस्पत सिंह ने गुरुवार को कहा था कि अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, सभी विधायक अपने निजी काम में है, शाम को मुलाकात संभव है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि किसी नेताओं से मुलाकात यानी कि उच्च नेताओं से मुलाकात इनकी नहीं हो पाई है और अब ये जो है वापस लौटने के कगार पर हैं। कौसल्या माता मंदिर जीर्णोद्धार समारोह 7 अक्टूबर से। शंकर महादेवन, कबीर कैफे बैंड, नंद कुमार साहू की मानस मंडली यहां पर अपना अपना रंग जमाने वाली है। वी अनबीटेबल साथ ही साथ का नाम जो है यहां पर कथा पर विशेष नृत्य रखा जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने चंद्रखुरी स्थित माता कौसल्या मंदिर के जीर्णोद्धार उद्घाटन समारोह के अतिथियों के नाम तय कर दिए हैं। नवरात्रि के पहले दिन समारोह में प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शंकर महादेवन की प्रस्तुति होगी। मुंबई का फ्यूजन बैंड कबीर कैफे, कबीर गायक, भारती बंधु और नंद कुमार साहू की मानस मंडली भी समारोह का आकर्षण होने वाले हैं। इधर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वन गमन पथ परिपथ और औपचारिक उद्घाटन 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इधर अधिकारियों के मुताबिक 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दे सकेंगे। उद्घाटन समारोह में नृत्य, संगीत, लाइट शो के जरिए भगवान श्री राम के वनवास एवं छत्तीसगढ़ में उनके प्रवास की कहानी दिखाई जाएगी। इधर गायिका कविता वासनिक और सुकृति सेन भारतीय रॉक बैंड इंडियन ओशियन की खास प्रस्तुति होगी। मुंबई के एक्रोबेटिक नृत्य समूह वी अनबीटेबल नाम पर कथा पर आधारित एक विशेष नृत्य भी पेश होने वाला है। 2 दिनों तक मानस मंडलियों का गायन जो है चलने वाला है। बता दें अभी तक जो है भगवान राम की ननिहाल जो है यह अंचल माना जाता है, तो यहाँ पर भव्य तरीके से रंगारंग प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष मिलने वाली है। चेन स्नेचर को पकड़ने के लिए बुजुर्ग बन गई पुलिस। 20-25 साल की महिला पुलिसकर्मियों को मेकअप करके 60 साल का बनाया गया। लुटेरों को पकड़ने के लिए दिन भर भिलाई की सड़कों पर ये जो पुलिस कांस्टेबल है घूमती रही। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस के लिए एक लुटेरा सिरदर्द बन गया है। महज 20 दिन में चेन स्नेचिंग की 6 वारदातें हो चुकी हैं। इधर बता दें अब हर बार सीसीटीवी फुटेज में लूट के बाद एक ही बाइक सवार नजर आया है। हर बार एक अलग कपड़े होते हैं। इसके अब उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एक ऐसा जाल फैलाया है। महिला पुलिसकर्मियों को बुजुर्ग का गेटअप देकर उनकी ड्यूटी लगाई, लेकिन लुटेरा नहीं पकड़ा जा सका। इधर बता दें रायपुर और भिलाई में चेन लूटने वाला एक बदमाश काफी ज्यादा जो है सिरदर्द बन गया है इन पुलिस वालों के लिए। दरअसल धमधा नाका और कुमरी टोल प्लाजा के साथ साथ ITMS के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए टीम लगाई गई थी। जांच के दौरान पता चला कि लुटेरा सुबह 4 बजे से शहर में आता है और 9 बजे तक वारदात को अंजाम देकर भाग निकलता है। 2 दिन पहले इसी लुटेरे ने रायपुर के DD नगर क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटी थी। सभी घटनाओं में एक ही बात कॉमन थी, वह पहले महिलाओं से पता पूछता और फिर उनके चेन या फिर कोई भी सामान को लूटकर भाग जाता। तो इसको पकड़ने के लिए अब पुलिस ने एक नया जो यहां पर हथकंडा है वो अपनाया है। एक बड़ी खबर है कॉलेज में दाखिलों के लिए इस बार कंपटीशन काफ़ी कड़ा रहा। 12वीं में 85% से कम परसेंट वाले छात्रों को सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाए। प्राइवेट में सभी मतलब महत्वपूर्ण कई प्रकार बहुत ही ज़्यादा सीटें जो है इस बार खाली रह गई। बता दें 12वीं में घर से आंसर शीट बनाने की वजह से इस बार छात्रों ने बोर्ड में इतना बड़ा नंबर स्कोर किया है कि अच्छे नंबर पाने वालों के बावजूद प्रमुख कॉलेजों में दाखिले के लिए सभी को कड़े कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ गया। इधर स्थिति
21 सितंबर को कॉलेजों में प्रवेश का आखिरी दिन रहा। इसके लिए सभी प्रमुख सरकारी कॉलेजों में छात्रों का मेला लग गया, लेकिन ज्यादातर मायूस लौटे क्योंकि प्रमुख कॉलेजों में साइंस ग्रुप का कट ऑफ यानी कि जो यहाँ पर कट ऑफ है वो 85% से नीचे ही रह गया। इधर बता दे, राजधानी के साइंस कॉलेज और डिग्री गर्ल्स कॉलेज में शाम तक साइंस ग्रुप की एक भी सीट खाली नहीं बच पाई। बाकी सरकारी कॉलेजों में कट ऑफ कुछ कम हुआ लेकिन सीटें वहां भी नहीं बच पाई। इधर रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन से जुड़े अफसरों के मुताबिक अंतिम दिन अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों की पूरी सीटें नहीं भर पाई। अगली बड़ी खबर है मॉनसून के अपडेट को लेकर। अब खबर आ रही है कि मॉनसून में अब तक सिर्फ 3% की कमी है। इधर अभी तक 15 दिन बाकी है मॉनसून को कंप्लीट होने में। छत्तीसगढ़ में औसतन बारिश 1142 मिलीमीटर, अब तक 1107 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल मॉनसून ने जरूरत का पानी पूरा कर दिया है। राष्ट्रीय तौर पर 30 सितंबर को मॉनसून सीजन खत्म माना जाता है और इस दौरान छत्तीसगढ़ में 1107 मिलीमीटर बरसात हुई है। प्रदेश में पूरे सीजन में बारिश का औसत 1142 मिलीमीटर है और अब तक हुई बारिश इससे केवल महज 3% कम रहने की वजह से सामान्य मान ली गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ से मॉनसून अक्टूबर के पहले पखवाड़े में लौटता है, इसलिए और भी बारिश के आसार अब भी दिखाई दे रहे हैं। यह बारिश फसलों, बांधों और ग्राउंड वाटर लेवल के लिए सरप्लस मानी जाएगी। मॉनसून इस साल ठीक 10 जून को छत्तीसगढ़ पहुंच गया था और जून जुलाई के तथा सितंबर में अच्छी बारिश हुई। इधर अगस्त में थोड़ी कम बारिश हुई थी लेकिन सितंबर के महीने में औसत से 48% ज्यादा बारिश होने की वजह से ये जो कमी है पूरी हो गई। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ से मॉनसून पिछले कुछ साल में 15 अक्टूबर के आसपास विदा हो रहा है, इसलिए अभी और बारिश के आसार फिलहाल छत्तीसगढ़ में बताए जा रहे हैं। रायपुर में खुलने वाले हैं 80 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 83 करोड़ रुपए इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर खर्च होने वाले हैं। दरअसल राजधानी में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में 83.35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में इलाज की सुविधा मुहैया कराने 80 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन सेंटर्स पर बीमारी से संबंधित जानकारी के साथ साथ जाँच और इलाज की सुविधा भी मिलेगी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने राशि के प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेज दिया है। इधर 10 अक्टूबर तक राशि मिलने की उम्मीद जताई गई है। केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग अंतर्गत सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत संचालक ने सभी CMHO से प्रस्ताव बनाकर 3 दिनों के भीतर इसको भेजने के आदेश जारी किया था। 200 करोड़ का प्रदेश सरकार को यहां पर लगातार सालाना चूना जो है लग रहा है। छत्तीसगढ़ में डीजल पर टैक्स 25 तो वहीं यूपी में महज 16% टैक्स है, इसलिए अवैध तरीके से रोजाना 15 टैंकर यूपी से जो डीजल है वो यहां पर पहुंच रहा है। दरअसल बात करते हैं सरगुजा जिले में कई कंपनियों ने अवैध तरीके से कंज्यूमर डीजल पंप खोल रखे हैं। वे डीजल की बिक्री 2000 लीटर वाले टैंकर से लोगों तक पहुंचाकर कर रहे हैं। इसमें भी कई डीजल माफिया कंज्यूमर डीजल पंप के नाम पर उत्तर प्रदेश से डीजल मंगवाकर राज्य सरकार को टैक्स का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें डीजल कंपनियों और फूड अफसरों के साथ साथ GST अफसरों की लापरवाही व मिलीभगत भी शामिल है। इस पर रोक लगाने खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संचालक किरण कौशल ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कार्यवाही करने के निर्देशित किए हैं। इधर हमारी टीम के पड़ताल में खुलासा हुआ है कि कई निजी कंपनियां अपनी जरूरतों के लिए कंज्यूमर डीजल पंप का लाइसेंस होने की बात करती है लेकिन किसी के पास कोई भी लाइसेंस नहीं मिलता। इसका खुलासा तब हुआ जब फूड अफसर रविंद्र सोनी ने हमारी टीम से डीजल की हेराफेरी को समझने की बात की। हालांकि शहर के डीजल व पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि 6 कंज्यूमर डीजल पंप के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं लेकिन अफसर कह रहे हैं कि किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया। इधर बता दें 200 करोड़ का प्रदेश सरकार को सालाना नुकसान इसी वजह से हो रहा है। बता दें छत्तीसगढ़ में डीजल पर टैक्स 25 है तो वहीं यूपी में महज 16% टैक्स है, तो यूपी से लाकर इसको छत्तीसगढ़ में खपाया जाता है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुँचा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई के लिए गंगरेल से छोड़ा गया पानी। जी हां, बता दें कि खबर आ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान संगठनों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जलाशयों से सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की मांग पर संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए जल संसाधन विभाग को 30 सितम्बर से गंगरेल बांध सहित सिंचाई जलाशयों से पानी छोड़ने के निर्देशित किए हैं। जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में ये सभी बातें कही है। इसके अलावा बता दें, अब विभागीय अधिकारियों को गंगरेल बांध यानी कि रविशंकर जलाशय से 30 सितंबर से बांध के कमांड एरिया में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के लिए निर्देशित किया है और बताया गया है कि गंगरेल बांध से गुरुवार को पानी छोड़ा गया है जो शनिवार तक भाटापारा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। धर्मांतरण को लेकर के एक बार फिर से पूर्व सीएम का बड़ा बयान सामने आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का संरक्षण है। ढाई ढाई साल पर बोले, कुर्सी की दौड़ चल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर से धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। गरियाबंद में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने ढाई साल की इस कांग्रेस सरकार में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा है ये कहा। इसके अलावा कहा गया कि छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक धर्मांतरण को कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है, तो वही ढाई ढाई साल पर भी रमन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं में कुर्सी की दौड़ हो रही है। रमन सिंह जो है गरियाबंद जिले के छुरा पहुंचे थे। यहां पर रमन सिंह ने कोसमबुड़ा घाट में पौधारोपण कर तीज मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और भाजपा नेता मौजूद रहे। अंतिम खबर है, हिंदी से अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाने पर जनहित याचिका दायर हुई है। रायगढ़ के 930 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में हो चुका है इसी वजह से। हाई कोर्ट ने इसके लिए 10 सप्ताह के भीतर सरकार से जवाब तलब किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद कर अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, कलेक्टर, DEO सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। इस मामले में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि इस तरह स्कूल बंद करने से 930 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस इतना का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। इसके अलावा नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।